A very good morning students, welcome you all in Shanti Kunj online classes. Today we will discuss about chapter 1, the fun they had. ठीक है, इसमें हम देखिए डिस्कस करेंगे बच्चों कि जो फ्यूचर के जो स्कूल थे मीन्स टू से वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जो प्रेजेंट में अभी स्कूल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें एक छोटी बच्ची है वो उसे डायरी में लिए कहीं से और उस डायरी में अभी के जो स्कूल है मीन्स टू से ये जो स्टोरी है जो लिखी गई है ये लगभग 100-150 साल आगे की है, मीन्स टू से लगभग इसमें देखिए टाइम जो है आपका दिया हुआ है कि 17 मई 2057 मीन्स टू से लगभग आज से अभी क्या चल रहा है 2024 इससे लगभग 100-150 साल पहले आगे की कहानी है जो ये कि उस टाइम पे जो स्कूल्स होंगे वो कैसे होंगे. तो देखिए ये जो है ये आपको दिखाया गया है, ये है उस टाइम के स्कूल जब वो बच्ची है जो पढ़ रही है उस टाइम पे और वो मतलब कैसे उसकी स्टडी जो है मैकेनिकली करवाई जा रही है ये उस बारे में है ना. तो वो बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ते थे तो और आज की जो पहले की जो वर्चुअल क्लासेस होती थी मूविंग टेक्स्ट होते थे कि जो टेक्स्ट हैं वो भी मूव करते थे, रोबोटिक क्लासेस होती थी रोबोट से पढ़ाया जाता था और बच्चों को उनके लेवल के हिसाब से पढ़ाया जाता था. आज की तरह स्कूल नहीं होते हैं अब वो है ना, मतलब बहुत आगे की कहानी है, बहुत आगे जाके है कि मतलब लगभग 100-150 साल बाद मतलब हमारी जो जनरेशन है आने वाली जो जनरेशन है वो कैसे पढ़ेगी. तो इस बारे में है ये स्टोरी. अब इसमें देखिए क्या होता है कि जो पहले के जो स्कूल थे ठीक है वो बच्ची जो याद करती है वो कहती है देखिए जो डेट है इसमें मेंशन की हुई है वो कब की है डेट, ये देखिए 17 मई 2157 है ना. तो 17 मई की है ये कहानी, 2157 की है तो लगभग आज से बहुत साल आगे की है. तो वो जो कहानी लिख रही है तो वो बताती है कि उस टाइम पे स्कूल जो होंगे वो कैसे होंगे. द स्टोरी वी शैल रीड इन अ सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैम, द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो ये जो डायग्राम बनाया गया है जो अभी आपको डायग्राम दिखाया गया था मे बी ये आपकी कुछ हेल्प कर पाए कि ये जो है कैसे होंगे ठीक है फ्यूचर के जो स्कूल है. तो देखिए एक बच्चे की कहानी है, इन पेयर्स डिस्कस थ्री थिंग्स यू लाइक अबाउट योर स्कूल एंड थ्री थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड नॉट लाइक टू चेंज. कि कौन सी तीन चीज़ें जो हैं वो आप चाहेंगे कि आप उसमें बदलाव करें और कौन सी ऐसी तीन चीज़ें हैं जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे वो चीज़ें बदलें. हैव यू एवर रीड वर्ड्स द टेलीविज़न स्क्रीन. क्या आपने कभी भी पर्दों पर शब्दों को पढ़ा है या कंप्यूटर पर शब्दों को पढ़ा है. तो कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन अ कंप्यूटर. आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारी बुक्स जब आपकी कंप्यूटर्स पे आ जाएंगी देन देयर विल बी नो एनी प्रिंटेड ऑन पेपर्स. कभी भी पेपर पे प्रिंट नहीं की जाएगी बुक. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. तो आप क्या ऐसी किताबों को पसंद करेंगे है ना, पढ़ना पसंद करेंगे. ये उसी के बारे में है. जो मार्जी है उसके जो ग्रैंडफादर है, एक बार उन्होंने बताया था कि जब हम छोटे बच्चे थे तो उनके भी जो ग्रैंडफादर है उन्होंने उन्हें क्योंकि बताया था कि जो पेपर्स होते थे वो किस पे प्रिंट होते थे, कि जो पेपर जो होते थे उस टाइम पे वो एक कागज़ पे प्रिंट होते थे और कागज़ पे प्रिंट होने के बाद से वो क्या होते थे कि लोग उन्हें पढ़ते थे. ठीक है, कागज़ पे प्रिंट होने के बाद लोग उसे पढ़ते थे और फिर वो जैसे बार बार हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना तो वो क्रश हो जाती है. तो ऐसे ही वो जो है पेपर भी बहुत क्रश हो चुका था. दे टर्न द पेजेस, उन्हें पेजेस को टर्न करना पड़ता था. वैन वर येलो एंड रिंकली, और वो बहुत ही ज़्यादा येलो हो जाते थे, रिंकल हो जाते थे. रिंकली होते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब वो जिसके तरह गोच पोच हो जाती है. तो ऐसे वो जैसे हम बिल्कुल मोड़ तोड़ देते हैं ऐसे न्यूज़पेपर्स को, तो ऐसे तो वो मर्जी जो है वो कहती है कि ओ माय गॉड उस टाइम पे कितना फ़नी होता होगा पढ़ना है ना. तो कि आपको जैसे जिन पेज पे जाना है बार बार पेजों को पलटना पड़ता होगा, स्क्रीन पे बार बार वो चीज़ें देखनी पड़ती होंगी है ना. मतलब आज तो हम स्क्रीन पे देख सकते हैं लेकिन पहले क्या होता होगा, बार बार उस पेज पे जाओ पलटो उसको फिर दोबारा से और वही चीज़ें सेम चीज़ें आप पढ़ो कितने साल बाद भी. तो एक बार अगर आपने चीज़ें पढ़ ली तो वो तो आपके लिए वेस्ट है.
तो फिर बार बार उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो कागज़ पे कितना कागज लोग वेस्ट करते थे उस टाइम पे। तो बोलती है गी शैट टॉमी, तो वो टॉमी से बोलता है व्हाट अ वेस्ट। टॉमी बोलता है क्या वेस्ट थे, मतलब लोग कैसे, मतलब वो बकवास चीजें करते थे कि व्हेन यू आर थॉट विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। आई गेस योर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। मुझे पता है कि मेरी जो स्क्रीन है उस पर मिलियंस ऑफ बुक्स होंगी और बहुत ही ज़्यादा वो मेरे लिए मतलब अच्छी भी होंगी। आई वुड इट, मतलब वो बोलते हैं कि हाँ ऐसा मतलब होगा। तो वो बोलते हैं कि चलो ढूंढते हैं मेरे घर में। फिर उन्हें एक बुक मिलती है जिसमें जो एटिक्स होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि एटिक्स होते हैं, जैसे कि हम मतलब स्पेस देते हैं ना घर में कुछ चीज़ रखने के लिए, कि मतलब अगर हमें कोई चीज़ ऐसी है कि रखनी है तो हम उस पे रख देते हैं। तो उन्हें वो एटिक्स पे एक बुक मिलती है, तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं उस चीज़ को देख के। फिर वो कहते हैं कि वो उसे पूछता है जो टॉमी है कि तुम्हें ये जो बुक्स है वो कहाँ से मिली। तो वो बोलती है कि मुझे ये बुक्स जो है वो कहाँ से मिली, एटिक से मिली, मीन्स टू से मुझे जो बुक्स है मैंने मतलब जो आला होता है, जैसे कि होते हैं ना कि गांव में भी या वैसे भी बनाए गए होते हैं कि एक एज अ स्टोर रूम वी कैन यूज़ इट, है ना, तो वहाँ पे मुझे ये बुक मिली है। तो व्हाट इज़ इट अबाउट स्कूल, तो वो कहते हैं स्कूल के बारे में तुम क्या सोचते हो। जो जो माजी है वो बहुत ही ज़्यादा स्कॉर्नफुल होती है, बहुत ज़्यादा इरीटेट होती है स्कूल्स के नाम से ही। तो वो फिर बोलती है व्हाट्स देयर अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। वो बोलती है मुझे नफरत है इस स्कूल से। देखिए यहाँ पे है कि जब वो ये बोलती है कि मुझे नफरत होती है इस स्कूल से, बट नाउ शी हेटेड देन एवर, लेकिन अब वो उससे भी ज़्यादा नफरत करने लग जाती है जितना पहले नफरत करती थी। क्योंकि क्या होता है कि उसकी जो मैकेनिकल टीचर्स हैड बीन टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि उसकी जो मैकेनिकल टीचर होती है वो बार बार उसका टेस्ट ले रहे होते हैं। मैकेनिकल टीचर मीन्स टू से कंप्यूटर्स की हेल्प से उस टाइम पे बच्चे पढ़ते हैं, है ना, लगभग 100-150 साल आगे की बात है ये। तो उस टाइम पे तो बच्चे रोबोटिक होंगे, कंप्यूटर की हेल्प से पढ़ेंगे। तो वो जो बच्चे होते हैं वो फिर वो कहती है कि ये जो मेरी टीचर है मुझे बहुत बोर करती है, बहुत इरीटेट करती है, क्योंकि ये तो मेरी हमेशा मतलब ऐसे टेस्ट पे टेस्ट लेती रहती है, तो कुछ समझ में नहीं आता, ऊपर से वो टेस्ट पे टेस्ट लेती रहती है। तो उसकी जो मदर होती है वो भी बहुत दुखी होती है उस चीज़ को लेके। तो उसका जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो आया हुआ होता है, तो वो जो है मतलब बोलती है उसे कि मतलब ये बहुत दुखी रहती है और इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मार्जी जो होती है वो भी बहुत निराश होती है। तो फिर क्या होता है, जो उसका काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मतलब एक राउंड लिटिल मैन होता है, वो आता है, रेड फेस होता है, होल बॉक्स ऑफ टूल्स होते हैं, टायल्स होते हैं, वायर्स होती है उसके अंदर, जो उसका वो होता है टीचर होता है। टीचर मीन्स टू से एक कंप्यूटर टीचर होता है वो, ठीक है, कंप्यूटर की हेल्प से बच्चे पढ़ते हैं, अब आगे के टाइम पे तो ऐसे ही पढ़ेंगे बच्चे। तो ही स्माइल्ड एट मार्जी, तो वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मार्जी की तरफ देख के स्माइल करता है और फिर बोलता है कि चलो ठीक है, ऐसा है कि चलो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। तो जो मार्जी होती है वो उसको देख रही होती है और वो होप कर रही होती है इस चीज़ की कि वो चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो मेरी छुट्टी हो गई, अब मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिल जाएगी, क्योंकि जो है ये बिग स्क्रीन जो है लेसन्स हैं शोन इन क्वेश्चन, क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, बार बार उसके रिप्लाई करने पड़ रहे होते हैं, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता, जो मार्जी होते हैं, मार्जी होती है। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे होते हैं, होमवर्क्स दिए जा रहे होते हैं, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ फिर उसमें कुछ दिक्कत आ जाती है। शी ऑलवेज़ हैड टू राइट देम, और फिर उसे लिखना भी पड़ता है पंच कोड। तो दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और फिर वो जो है 6 साल मतलब ईयर से पढ़ती है उस चीज़ को, और जो मैकेनिकल टीचर है वो एक मिनट नहीं लगाता, एक सेकंड नहीं लगाता, उसके मार्क्स जो कैलकुलेट करके उसको दे देता है। तो जो इंस्पेक्टर होता है वो मतलब स्माइल करता है और फिर उसे मतलब देखता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर जो मार्जी है उसको पैट करता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, और फिर वो बोलता है कि क्या हुआ, मतलब पैट करना होता है ना कि मतलब वो उसको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि हम छोटे बच्चों को थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि उनको मतलब प्यार कर लेते हैं, कि बच्चे जब सामने होते हैं छोटे बच्चे,
तो वो ऐसे करता है उसको, लेकिन फिर भी जो बोलती है, फिर वो जो उसकी जो मदर होती है वो बोलती है, ही सेड टू हर मदर, देखिए वो उसकी मदर को बोलती है कि इसमें इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है, मिसेस जॉनस जो कि उसका नाम होता है मार्जी की मदर का, क्योंकि जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था इसमें, इसका जो गियर लगाना पड़ता है ना उसमें, तो कि बच्चे के लेवल के हिसाब से, तो वो ऑलरेडी बहुत ही मतलब ज़्यादा हो गया था, मतलब थोड़ा सा वो तेज हो गया था, जिससे कि उसके लेवल का ना हो के और जो चीज़ें हैं वो हाई लेवल पे जा रही थी, इसीलिए बच्चे की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो ये है इसमें, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, अपना जो कंप्लीट है वो हम दूसरे उसमें करेंगे, वीडियो में करेंगे। तो बच्चों फिर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जितना भी पढ़ाया गया है आपको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है, और इसकी समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों।